छत्तीसगढ़ बीजेपी मीडिया सेल के प्रमुख अमित चिमनानी ने सीएम को एक पत्र लिखा। उन्होंने कांग्रेस शासन के दौरान हुई झूठी एफआईआर की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। चिमनानी ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में झूठे मुकदमे दर्ज करने की बात सामने आ रही है, पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग उन्होंने की है। सम्मानित साथियों के साथ अगर कोई बात गलत हुई पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के शासन में, तो उसका एक रिव्यू होना चाहिए, और अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसे न्याय मिलना चाहिए। यही मांग हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाकर। युगल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, क्या कुछ अपडेट इस मामले में और किन एफआईआर की तरफ ये इशारा है? देखिए ललित, बीजेपी का कहना है और खास करके बीजेपी मीडिया सेल ने इसको लेकर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास एक पत्र लिखा है, और पूर्ववर्ती सरकार में जो कांग्रेस के शासन काल में ये कहा गया था कि बार बार जो बातें आ रही थी कि कई दर्जनों पत्रकार के ऊपर एफआईआर दर्ज किए गए हैं और वो भी झूठे मामले पर उन्हें या तो फंसाया गया है या फिर दबाव पूर्वक उन पर एफआईआर दर्ज की गई है, ऐसे मामलों के उच्च स्तरीय जांच होने चाहिए क्योंकि पीड़ित पक्ष हैं, उनको भी का जो अधिकार है, तो इसीलिए ये पत्र लिखा गया है। और हालांकि किसी स्पेसिफिक जो प्रकरण का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले जो दर्ज हुए थे उन मामलों की सूक्ष्मता से जांच करने की, और जो अगर किसी तरह से षड्यंत्र पूर्वक या फिर द्वेष पूर्वक जो एफआईआर दर्ज किए गए हैं उन्हें खत्म करने की बात कही गई है। और इसे ये कहा जा सकता है कि जब कांग्रेस सरकार थी तब इस तरह की बातें आती थी और उसी को लेकर के पत्र फिलहाल लिखा गया है। जी ललित, चलिए बहुत धन्यवाद आपका युगल इस तमाम जानकारी के लिए। इधर कोरबा में हुआ है बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन से हटाया गया है कब्जा, राताखार मार्ग पर ये पूरी कार्रवाई हुई है। निगम की टीम ने बेजा कब्जा हटा दिया है। कोरबा में बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन से कब्जा हटाया गया है, राताखार मार्ग पर ये पूरी कार्रवाई हुई है। नगर निगम की टीम ने ये सरकारी जमीन पर जो अवैध कब्जे जो कब्जा कर लिया गया था, अतिक्रमण कर लिया गया था, उसे हटा दिया है। संवाददाता अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, कितने की ये सरकारी जमीन रही होगी, कब्जा मुक्त से कर दिया गया है, विस्तार से बताएं जरा। जी, आपको बता दूं ललित कि ये राताखार में निगम की एक कार्रवाई हुई है, और इससे पहले भी जो तोड़ू दस्ता है जो निगम का, वो अवैध जो निर्माण जो कार्य कराया गया था सरकारी भूमि पर, उसे खाली कराया गया। और यहाँ राताखार में भी एक बड़ा हिस्से में ये अवैध निर्माण हुआ था जिसकी शिकायत निगम को मिली थी, उसके बाद ये कार्रवाई जो है तोड़ू दस्ते ने की है। और ये इलाकों की जो जमीन बताई जा रही है जहां पर ये अवैध निर्माण किया गया था, और इसमें जो निर्माण जो सामग्री है वो सबको तोड़ दिया गया है जो वहां पर निर्माण कराया गया था। धन्यवाद अब्दुल इस तमाम जानकारी के लिए।